गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखिए बच्चों, कल की क्लास तक यानी कल जो हमने क्लास ली थी वहाँ तक मैं आपको यूनिट मेजरमेंट एंड एरर में डायमेंशन और एरर कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ बेटा, और मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट निकल कर आता है तो बिल्कुल फ्री फील करिए हम लोगों से कांटेक्ट करने में, और जहां भी आप लोगों को समस्या आती है उस प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करके क्लियर करिए बेटा उस प्रॉब्लम को। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि फिज़िक्स पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आप लोगों की बनी रहे। रोज़ का काम आप लोग रोज़ फिनिश करें, अपने काम को नेक्स्ट डे के ऊपर बिल्कुल मत डालें, ठीक है? नहीं, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमारे साथ रेगुलर कांटेक्ट में बने रहें, कहीं भी आप लोगों को कोई समस्या आती है तुरंत हम लोगों से उस प्रॉब्लम का सलूशन ले बेटा, ठीक है? हम 24/7 आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं बेटा, ठीक है? नहीं, कहीं भी कोई समस्या आती है हमसे तुरंत कांटेक्ट करें, हम उस प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। चलिए, तो जो हमारा यूनिट मेजरमेंट एरर का चैप्टर है उसके अंदर डायमेंशन और एरर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट पोर्शन आता है बेटा, हमें अपना लास्ट पोर्शन स्टार्ट करना है, और लास्ट पोर्शन है हमारे पास में यूनिट्स। लास्ट जो पोर्शन है हमारे पास में वो है यूनिट्स, हमें स्टार्ट करना है यूनिट्स। काफ़ी अच्छा पोर्शन है, चलो देखते हैं कि किस तरीके से कंडीशन को बनाएंगे हम लोग। पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, ठीक है? चलिए, तो अब आप ये समझिए कि फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स का मतलब तो समझते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम जो स्टडी करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, वो हमारा फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के अंदर हम जो जो क्वांटिटी पढ़ते हैं बेटा, जो जो हम पढ़ते हैं, जितनी भी क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं वो सारी क्वांटिटी हमारी कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। लाइक फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम लोग मास, हम पढ़ते हैं लेंथ, हम पढ़ते हैं टाइम, हम पढ़ते हैं करंट, हम पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी पढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब फिजिक्स में यार क्वांटिटीज़ का कोई एंड ही नहीं है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं बेटा, उन सारी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? अब अगर आगे से कोई आपसे पूछ ले कि भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तुम्हारा एक बहुत छोटा सा जवाब होगा कि भैया फिजिक्स में तुम जो भी क्वांटिटी देखते हो, जो भी देखते हो, चाहे वो कुछ भी है, फोर्स है, एनर्जी है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, कुछ भी है, वही आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब हमने क्या किया बेटा, फिजिक्स के अंदर पढ़ी जाने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हमने, यहाँ से आप देखिएगा, हमने तीन पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, तीन पार्ट्स में हम लोगों ने बांट दिया है। नंबर वन हमारी कहलाती है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, या हम लोग इसे दूसरा नाम देते हैं बेटा, ये कहलाती है हमारी बेस क्वांटिटी, ये हमारी कहलाती है बेस क्वांटिटी। जो पहले वाली है हमारी, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। जो हमारी दूसरे वाली है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, इसे हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? और तीसरे वाली जो हमारी आती है उसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? फिजिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है, और हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया है तीन पार्ट में,
पहली कहलाती है फंडामेंटल, दूसरी कहलाती है ड्राइव्ड, और तीसरी कहलाती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इनमें से एक एक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे बेटा, हर एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से बनाकर। पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, देन हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा, अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है बेटा हमारे पास में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। भैया मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, आप ये समझ लो कि जब फिजिक्स बनी थी तो गॉड ने हमें 7 क्वांटिटीज़ दे दी। गॉड ने हमें कहा कि भैया ये लो 7 क्वांटिटी और जाओ अपनी पूरी फिजिक्स का काम इन 7 क्वांटिटी से ही चलाओ। यानी ये जो फिजिक्स का मकान है ना हम लोगों का, ये पूरा का पूरा 7 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, 7 पिलर्स के ऊपर। वो जो 7 पिलर्स हैं उसी का नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिक्स 7 क्वांटिटी से मिलकर बनी है, 7 क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम और छोटा नहीं कर सकते हैं और रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, गॉड गिफ्टेड क्वांटिटी है, बिल्कुल बिल्कुल बेस क्वांटिटी है जिनके ऊपर पूरी फिजिक्स चलती है बेटा, वो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसी क्वांटिटी का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी। मैं आपको बता चुका हूँ इन्हीं क्वांटिटी का दूसरा नाम है बेस क्वांटिटी। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं ये क्वांटिटी, आइए आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले नंबर पर बेटा हमारे पास में आता है मास, दूसरे नंबर पर हमारे पास में आता है लेंथ, तीसरे नंबर पर हमारे पास में आता है टाइम, चौथे नंबर पर हमारे पास में आता है टेम्परेचर, पांचवे नंबर पर हमारे पास में आता है करंट, फिर आता है हमारे पास में क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, ये 6th नंबर पे आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और फाइनली लास्ट 7वें नंबर पर हमारे पास में आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये आता है हमारे पास में नेक्स्ट नंबर पर बेटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास में जो पूरी तरीके से गॉड गिफ्टेड है, इन्हें फर्दर रिजॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल फंडामेंटल है। ठीक है, ये 7 क्वांटिटीज़ हैं बेटा हमारे पास में। अब ये जो मास आप लोगों को दिख रहा है, ये मास किसी ना किसी चीज़ के अंदर मेज़र ज़रूर किया जाएगा। भाई मास को मेज़र करने के लिए, मास को मापने के लिए हम किसी ना किसी चीज़ का ज़रूर यूज़ करेंगे। जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। बेटा हम लोग उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो हमारी कहलाती है फंडामेंटल यूनिट। मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर को, करंट को, मोल को, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए जिस टर्म का यूज़ किया जाता है वो टर्म हमारा कहलाता है फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि मास को जो हम मेज़र करते हैं वो केजी में करते हैं बेटा, ये केजी जो है वो मास की फंडामेंटल यूनिट है, समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, लेंथ की जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास में वो है मीटर, ये लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है बेटा। टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास में वो है सेकेंड, ये टाइम की फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद टेम्परेचर की जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास में वो है केल्विन, ये टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट है। करंट की जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास में वो है एम्पियर, दिस इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है हमारे पास में मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास में वो है सीडी, इसे हम लोग बोलते हैं कैंडला, इसे हम लोग बोलते हैं कैंडला, समझ में आ रही बात। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की फंडामेंटल यूनिट है।
यह है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मापने के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती है फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट है बेटा आपके सामने किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, मोल एंड कैंडेला। किलोग्राम को केजी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल एस से, ध्यान रखेगा, केल्विन को रिप्रेजेंट करेंगे के से, एम्पियर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से, मोल को मोल से ही दिखाएंगे और कैंडेला को हम सी डी से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ये इनके नाम हैं और ये इनका सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये इनके सिम्बॉल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर हमारे सामने आता है कि इनकी डायमेंशन क्या है, इनकी डायमेंशन क्या है। वैसे तो डायमेंशन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद भी है, लेकिन आ गया तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमारे सामने आ गया है तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। देखो, किलोग्राम की जो डायमेंशन होगी या मास की जो डायमेंशन होगी वो कहलाएगी कैपिटल एम, लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो कहलाएगी कैपिटल एल, टाइम की जो डायमेंशन होगी वो कहलाएगी कैपिटल टी, टेम्परेचर की जो डायमेंशन होगी वो कहलाएगी कैपिटल ए, करंट की जो डायमेंशन होगी वो कहलाएगी कैपिटल ए, मोल की जो डायमेंशन होगी वो मोल ही कहलाएगी, और कैंडेला की जो डायमेंशन होगी वो हमारी कैंडेला यानी सी डी ही कहलाएगी बेटा। ये इनकी डायमेंशंस है, ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी है, ये इनकी यूनिट्स हैं और ये इनकी डायमेंशन है। उम्मीद करता हूँ कि फंडामेंटल यूनिट के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो गई होगी। अब मैं एक एक यूनिट को पकड़कर आपको उसके बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ड्राइव यूनिट की बात करूंगा बेटा, ठीक है। उससे पहले मैं बात करूंगा ड्राइव यूनिट की, तो इसीलिए आप फंडामेंटल के बारे में पहले अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जल्दी से लिखिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे बेटा ड्राइव्ड यूनिट की, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि नंबर टू जो हमारे पास में आता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या और करके हम इसे बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। देखो बेटा, कंसेप्ट ये है कि फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हुए, फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हुए जब हम लोग किसी और यूनिट को ड्राइव करेंगे, किसी और यूनिट को हम ड्राइव करेंगे विद द यूज़ ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, वो हमारी कहलाएगी ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करते हुए जब हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को बनाएंगे वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगी। मैं आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास में आया वेलोसिटी, ध्यान से देखिएगा बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी की यूनिट, हमें वेलोसिटी की यूनिट चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, लेंथ की यूनिट होती है हमारे पास में मीटर, अपॉन में है टाइम, टाइम की यूनिट होती है हमारे पास में सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी की यूनिट बन गई हमारे पास में मीटर पर सेकंड, ये बन गई है हमारे पास में वेलोसिटी की यूनिट। मतलब जैसे हम डायमेंशन में कर रहे थे ना यार, बिल्कुल वैसा ही काम है। इसीलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल इसके अंदर बताऊंगा भी नहीं, मैं बहुत कम एग्जाम्पल इसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो काम डायमेंशन में है बिल्कुल वही काम यहाँ पर है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ध्यान से अब हमारी बात को आप सुनिएगा। नंबर टू पर हमारे सामने आता है बेटा, नंबर टू पर आप ध्यान से देखिएगा, नंबर टू पर हमारे सामने आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर मुझे एक्सीलरेशन की यूनिट निकालनी है,
ठीक है। तो आप देखो बेटा, वेलोसिटी की यूनिट में निकाल चुका हूँ ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो ये बन गया हमारे पास में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ये हमारी एक्सीलरेशन की यूनिट कहलाएगी। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है फोर्स। ध्यान से बेटा, फोर्स का फॉर्मूला हमारे सामने होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब आप देखो क्या यूनिट बनेगी इसकी, इसकी जो यूनिट बनेगी हमारे सामने, भाई मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, बताओ होती है या नहीं होती है। एक्सीलरेशन की यूनिट मैंने क्या निकाली, एक्सीलरेशन की यूनिट मैंने निकाली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स की यूनिट बन गई हमारी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ साथ फोर्स की एक यूनिट और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन, फोर्स की एक और यूनिट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या तो हम न्यूटन लिख दें या हम ये लिख दें, एक ही बात है, ध्यान रखेगा। अगर कहीं न्यूटन लिखा हुआ आता है ना बेटा क्वेश्चन के अंदर, तो न्यूटन की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर 2। क्लियर, ओके, ये सिचुएशन हमारे पास में होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आया बेटा हमारे पास में, जैसे नेक्स्ट बना हमारे पास में एनर्जी। एनर्जी कोई भी फॉर्मूला आप ले लो एनर्जी का, कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, कोई समस्या नहीं है। मैं सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, मैं कहाँ तक आप लोगों को एग्जाम्पल बताता फिरूंगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता दूंगा जिससे कि आप लोगों का काम चल जाए, बाकी हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, हमारे पास में यह है एनर्जी का कंसेप्ट, अब हमें बतानी है एनर्जी की यूनिट। एनर्जी की यूनिट क्या होगी भाई, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर सेकेंड की पावर -1, और ऊपर है होल स्क्वायर, समझ रहे हो। तो एनर्जी की जो यूनिट हमारे पास में बन गई, वो बन गई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, या इसके अलावा एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है बेटा, इसके अलावा अगर एनर्जी की यूनिट होती है ना तो जूल भी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जूल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, अगर कहीं जूल लिखा हुआ आता है तो जूल की जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। ओके, जैसे हमारे पास में बना लीनियर मोमेंटम, हमारे पास में बना लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, समझ रहे हो बेटा। अब आप देखो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी भाई, मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर सेकेंड की पावर -1। तो हमारे पास में लीनियर मोमेंटम की यूनिट बन जाएगी किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1। जैसे हमारे पास बना एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला है ये MVR, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, तो क्या यूनिट होगी इसकी, ज़रा देखो इसकी यूनिट होगी हमारे पास में, मास की यूनिट क्या होगी किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मीटर सेकेंड की पावर -1, और R, R माने रेडियस, रेडियस माने लेंथ, ये होगी इसकी यूनिट। मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो आंसर बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1, ये बन जाएगा बेटा हमारे पास में किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -1। तो कुछ बेसिक मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि किस तरीके से इनकी यूनिट्स हमें फाइंड आउट करनी है। थोड़े से और बताता हूँ, पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में बेटा। ओके स्टूडेंट, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और कुछ बात आप लोगों को समझ भी आई होगी बेटा। ठीक है, लेकिन मेरी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेगा कि इसे नहीं भूलना है आप लोगों को बेटा,
इसे बिल्कुल नहीं आप लोगों को भूलना है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये है फंडामेंटल हमारे पास में यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इनकी फंडामेंटल यूनिट है और ये इनकी डायमेंशन है। यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में कि किस तरीके से फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करके हमें अदर फॉर्मूलाज की यूनिट बनानी है बेटा, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं एग्जाम्पल। देखो बेटा, जैसे मेरे पास में नेक्स्ट कंडीशन बनी प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें प्रेशर की यूनिट बतानी है क्या होगी। प्रेशर की यूनिट हम लिखेंगे, देखो बेटा फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, होती है न्यूटन, और अपॉन में है एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अब मैंने जस्ट अभी आप लोगों से कहा था कि भैया न्यूटन की जगह आप लिख सकते हैं ये किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ नहीं, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो न्यूटन की जगह आप ये लिख सकते हैं, और अगर कहीं पर जूल आता है जूल, तो जूल की जगह आप लिख सकते हैं ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू, जूल की जगह आप ये लिख सकते हैं, और न्यूटन की जगह आप ये लिख सकते हैं। तो उठाइए और न्यूटन की जगह यहाँ आप लिख दीजिए, तो क्या बनेगी हमारी इसकी यूनिट। हमारी जो यूनिट बनेगी, न्यूटन की जगह आ गया ये किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू, अपॉन में है हमारे पास में मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर फिनिश, हमारे पास में बन गया किलोग्राम मीटर की पावर माइनस वन सेकेंड की पावर माइनस टू। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दिस इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ये हमारी प्रेशर की यूनिट बन गई बेटा। समझ में आई बात आप लोगों को। एक और एग्जांपल आप लोग देखिए, जैसे कि हमारे पास में बना इलेक्ट्रिक पावर कह लो या पावर कह लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। अब मैं अगर इसकी यूनिट लिखता हूँ तो क्या यूनिट होगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा भाई। एनर्जी जो दिख रही है आप लोगों को, इसकी यूनिट होगी जूल, ठीक है, और टाइम की यूनिट होगी हमारे पास में सेकंड। ये हो गई यूनिट, एनर्जी की यूनिट हो गई जूल और टाइम की यूनिट हो गई हमारे पास में सेकंड। लेकिन मुझे ये यूनिट नहीं चाहिए, मुझे यूनिट चाहिए किलोग्राम मीटर सेकंड के टर्म में, यानी मुझे एम के एस यूनिट चाहिए। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि एम के एस क्या होता है। तो हम एक काम करेंगे, जहां भी जूल आएगा हम उस जूल को बैलेंस कर देंगे, या जूल को हम की जगह ये हम लोग लिख देंगे बेटा, जूल की जगह हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। लिखो ज़रा, जैसे ही जूल की जगह हम ये लिखेंगे तो हमारे पास में बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय सेकंड, और हमारी यूनिट बन जाएगी बेटा ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर माइनस थ्री। दिस इज़ द यूनिट ऑफ पावर, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इस तरीके से हम कंडीशन बनाएंगे बेटा। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होगी आप लोगों को बात। जैसे नेक्स्ट सिचुएशन बनी हमारे पास में, आप देखो नेक्स्ट सिचुएशन बनी हमारे पास में, हमारे पास में आया मूमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारे पास में आया मूमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, आई की यूनिट क्या हो जाएगी। देखो भाई, हम जानते हैं कि मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, आर स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, आर स्क्वायर की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट बन गई वो बन गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान, कुछ करना ही नहीं है, बड़ा ही बेसिक है, ये बन गई हमारे पास में यूनिट। आगे देखिए आप लोग, जैसे कि हमारे पास में टर्म आया बेटा सरफेस टेंशन, हमारे पास में टर्म आया
सरफेस टेंशन। अब देखिए हम क्या लिखने वाले हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन को डिनोट करेंगे एस से और फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन लेंथ, होगा ना ये। अब देखो जब मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो क्या यूनिट आएगी बेटा, फोर्स की यूनिट आएगी न्यूटन और लेंथ की यूनिट आएगी मीटर आएगी। अब न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, याद रखिएगा भूलना नहीं है, न्यूटन को हम लिख सकते हैं ये अपॉन में है मीटर, कैंसिल आउट, यूनिट बन गई हमारी किलोग्राम सेकंड की पावर माइनस टू। दिस इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ये हमारी सरफेस टेंशन की यूनिट है। तो इस तरीके से कंडीशन बनाओगे यार, ड्राइव्ड यूनिट जो आप लोग निकालोगे, ये जो ड्राइव्ड यूनिट की बात हो रही है, ये जो ड्राइव्ड यूनिट आप लोग निकाल रहे हो, उस ड्राइव्ड यूनिट को निकालने का तरीका हमारे पास में ये है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होगी बात, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, एक दो और बता देते हैं आप लोगों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखो बच्चों, आगे नोट डाउन कर लेना आप वीडियो को पॉज करके। जैसे मेरे पास में नेक्स्ट टर्म आया वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो आप लोग। अब वर्क की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एक्स की होती है मीटर, तो वर्क की यूनिट बन गई हमारे पास में न्यूटन मीटर। लेकिन मुझे ये यूनिट नहीं चाहिए, मुझे यूनिट चाहिए किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में, बस यही टर्म आना चाहिए। तो बेटा आप जानते हो कि न्यूटन को हम रिप्लेस कर सकते हैं और न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू। सो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की जो यूनिट बनेगी हमारी वो बनेगी किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय मीटर, और ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू, ये बन जाएगी हमारी वर्क की यूनिट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात। नेक्स्ट, जैसे आप देखो एक टर्म आता है हमारे पास में जिसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट, दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ओके बहुत बढ़िया। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं एच से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूँ, अगर मैं इसकी यूनिट निकालता हूँ तो क्या यूनिट बनेगी भाई, एनर्जी की यूनिट तो बन गई जूल, समझ रहे हो, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है सेकंड की पावर माइनस वन, अपॉन में आएगा सेकंड की पावर माइनस वन। जब ये सेकंड की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जूल सेकंड। अब बताइए जूल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सेकंड, आंसर बन जाएगा हमारे पास में किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस वन, ये बनेगी हमारी कंडीशन। बताइए समझ आया नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए एक सिचुएशन हमारे पास में और आती है, इसे हम लोग बोलते हैं बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट। इस बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है के से। ये जो बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट आपको दिख रहा है इसे हम डिनोट करते हैं के से, और इसकी जो एस आई यूनिट है हमारे पास में, एस आई यूनिट वो है जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। लेकिन मुझे एस आई यूनिट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एम के एस यूनिट, जिसमें आता हो मीटर, जिसमें आता हो किलोग्राम, जिसमें आता हो सेकंड, हमें ऐसी यूनिट चाहिए। तो बेटा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जूल को आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय के, के माने केल्विन, समझ में आ रही बात। अब यहाँ से के चला जाएगा ऊपर और हमारे पास में बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू के की पावर माइनस वन। दिस इज द यूनिट ऑफ बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास में एक टर्म आता है बच्चों जिसे हम लोग बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। आप देखो जरा, हमारे पास में एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है। अब पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है ये,
सिग्मा इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम टेम्परेचर की पावर 4। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो आप कैसे इसके यूनिट बनाओगे, ठीक। हमें बनानी है सिग्मा की यूनिट, बहुत आसान। कैसे बनाएंगे? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और जूल को हम लिख सकते हैं ये। उसके बाद में है बेटा एरिया, एरिए की यूनिट होती है हमारे पास में मीटर स्क्वायर। फिर है टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है के की पावर 4। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और बड़े आराम से आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके बेटा, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट रिजल्ट क्या है अपने पास में। देखो अगला रिजल्ट हमारे पास में आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास में आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिनोटेड बाय कैपिटल जी, एंड फॉर्मूला है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। आपको इसकी यूनिट निकालनी है। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि फॉर्मूले पर आप ज़्यादा ध्यान मत दें, आपका मेन काम है उस कंसेप्ट को सीखने का। फॉर्मूले तो धीरे धीरे आप बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए बेटा, सो कैपिटल जी की जो यूनिट बनेगी हमारे पास में वो क्या बनेगी? भाई एफ का मतलब है फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास में ये किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 आर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। और नीचे है मेरे पास में किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम से स्क्वायर कैंसिल आउट, किलोग्राम चला गया यहाँ से ऊपर, तो ये बना हमारे पास में किलोग्राम की पावर -1 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर 3, और ये बन गया सेकंड की पावर -2। ये इसकी यूनिट बन गई बेटा, बन गई इसकी यूनिट। अगर मैं इसी यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? देखो जरा ध्यान से बेटा, किलोग्राम को लिखा जाता है कैपिटल एम, किलोग्राम यानी मास, और मास को लिखा जाएगा कैपिटल एम। यहाँ किलोग्राम की पावर -1 है, यहाँ एम की पावर -1 हो जाएगा। मीटर का मतलब होता है लेंथ, ये हो गया लेंथ की पावर 3, और सेकंड का मतलब होता है टाइम, ये हो गया टाइम की पावर -2। देखो यूनिट से मैं डायमेंशन भी लिख सकता हूँ। किलोग्राम का मतलब मास से है, मीटर का मतलब लेंथ से है, और सेकंड का मतलब टाइम से है। अगर आपके पास में यूनिट है तो बड़े प्यार से आप लोग डायमेंशन भी लिख पाएंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। और देखिए बेटा आगे, जैसे कि हमारे पास में नेक्स्ट टर्म आया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये आया हमारे पास में नेक्स्ट टर्म। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है अपने पास में वो है फोर्स अपॉन क्यू इंटू वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं इसकी यूनिट, क्या यूनिट होगी भैया? देखो जरा ध्यान से, इसकी यूनिट होगी हमारे पास में, भाई फोर्स को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में? क्यू, क्यू यानी चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट हमारे पास में होती है वो होती है एम्पियर सेकंड। ध्यान रखिएगा बेटा, चार्ज की जो यूनिट हमारे पास में होती है वो होती है एम्पियर सेकंड। वी का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जो यूनिट है हमारे पास में वो है मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की जो यूनिट है हमारे पास में वह है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बस सॉल्व कर लीजिए, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बेटा यूनिट बन गई हमारे पास में ये किलोग्राम सेकेंड की पावर -2 ए की पावर -1। अब देखो अगर मुझे इसे डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम यानी कैपिटल एम,
एस यानी टी, टी की पावर माइनस टू, और ए का मतलब ए से ही होता है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हो जाएगी। ऐसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा, ठीक है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया कि दो टॉपिक हमने फिनिश कर लिए हैं, अब तीसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तीसरे टॉपिक का नाम है यूनिट्स। उसके बाद फिजिक्स के अंदर जो भी क्वांटिटी पढ़ी जाती है उसका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। हमने फिजिकल क्वांटिटी को बांट दिया है दो हिस्सों में, एक कहलाती है फंडामेंटल, जो गॉड गिफ्टेड क्वांटिटी है। 7 क्वांटिटी हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, इनका नाम है फंडामेंटल। इनका दूसरा नाम होता है बेस क्वांटिटी। इनका यूज़ करके हम जिस क्वांटिटी को ड्राइव करेंगे, वो कहलाएगी ड्राइव क्वांटिटी, और ये हमारी एक स्पेशल टाइप की क्वांटिटी है जिसे तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो अब आप देखो, जो हमारी गॉड गिफ्टेड क्वांटिटी है वो ये 7 है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इनकी यूनिट्स हैं और ये इनकी डायमेंशन है। ये काम थोड़ा सा याद करने का है बेटा, इनकी यूनिट्स और इनकी डायमेंशंस आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हमने स्टार्ट किया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव्ड यूनिट को। फॉर्मूले के हिसाब से हम यूनिट्स बनाते गए, आपको बेसिक से स्टार्ट किया है बिल्कुल मैंने, और वैसे ही हम यूनिट बनाते गए बेटा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, कुछ एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास में, और फाइनली कुछ एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास में। और इन दो एग्जांपल से मैंने आपको सिखाया है कि कैसे आप यूनिट को डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं। भाई जैसे आप ये देखो, फोर्स के जो यूनिट है हमारी वो क्या है, फोर्स के यूनिट है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस टू। अगर हमें डायमेंशन में चेंज करना है, किलोग्राम माने एम, मीटर माने लेंथ, सेकंड माने टी की पावर माइनस टू, समझ आ गया। एनर्जी की यूनिट क्या है हमारी, एनर्जी की यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू। अगर मुझे इसे डायमेंशन में चेंज करना है तो किलोग्राम की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह एल स्क्वायर, और टी की जगह टी की पावर माइनस टू। ऐसे हम यूनिट को डायमेंशन में चेंज करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज हमारी ये सैटरडे की क्लास है, तो मैंने बहुत लंबी क्लास नहीं रखी है, शॉर्ट क्लास रखी है, क्योंकि शाम को आप लोगों की एक लाइव क्लास भी होने वाली है बेटा। आप लोग लाइव क्लास के अंदर ज़रूर प्रेजेंट रहें, क्योंकि वहाँ डाउट डिस्कशन के साथ साथ एक छोटा सा वाइवा सेशन भी होगा, और मैं जानूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक और कितने कंसेप्ट आप लोगों ने सीखे हैं। बाकी बात करेंगे हम लोग मंडे की क्लास में। इन सभी कंसेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और कहीं भी अगर कोई समस्या आती है तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट करें। ओके स्टूडेंट।